कि व्यवसाय रामाश्रय सिंह कुशवाहा हो, शिव कुमार उपाध्याय हो, या बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लोग अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये जब अपने पार्टी के जो करता है, जिसके लिए मरता है, अगर उस पार्टी का नेता का हत्या हो जाता तो उसको ही न्याय नहीं दिला रहे। सुशील मोदी जी तो घूमते रहते थे, क्या इनसे मिले, क्या बात हुई, कोई बात बताए इस पे? क्यों बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है ये बताना चाहिए। एक आध उदाहरण नहीं, आप देखिएगा हथुआ प्रकरण में व्यवसायी अनिल शाह की हत्या हुई, आप देखिएगा राजकुमार शर्मा जो गिट्टी के बहुत बड़े व्यापारी थे उनकी हत्या हुई, उपेंद्र सिंह कुशवाहा जिनकी पत्नी वहां पंचायत में वर्तमान में मुखिया है उनकी हत्या हुई, जेपी चौधरी, शंभू मिश्रा, मुन्ना तिवारी, अनिल तिवारी, इतनी हत्या हुई। और बल्कि सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने भी जो है, जो पप्पू पांडे ने जो धमकाने का काम किया था, नाम दर्ज FIR। आप देखिएगा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो निर्देशक हैं अखिलेश कुमार जायसवाल, उनसे जो है रंगदारी वसूलने का काम किया गया। तो ये हम तो नहीं कह रहे, लोग कहते हैं हम राजनीति करते हैं, बात नहीं उठा रहे। तो इसमें इतनी कुछ चीज़ें आई हैं, बयान सामने हैं, आखिर अब तक इतने मामले सामने आए, आखिर पप्पू पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा साफ साफ, इसीलिए हम सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रही है। और मेरे कुछ सवाल है नीतीश कुमार जी से, SIT गठित किया गया है, SIT गठित किया गया है, लेकिन क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके गिरफ्तारी का? कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? और आज तक जितने भी आरोपी हुए पुलिस ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया, चाहे कोई भी मामला हो, बालिका गृह का मामला हो या सृजन घोटाले का मामला हो, सब लोगों को कागज जो है उसका लीपापोती करा करके, सबूत को नष्ट कर करके, उसको जो है पूरी तरीके से फिर बाद में सरेंडर करा दिया जाता है। तो मेरा सवाल है कि अपराधी बेलगाम है और ये सरकार जो है लगातार विधायक को बचाने का काम कर रही है, आखिर कोई टाइम फ्रेम तो होगा? या ये मामला भी, और जैसे मामले जैसे दबा दिए गए, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? नेम्ड FIR है, साक्ष है, आई विटनेस है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन आखिर कौन सा प्रेम है, कौन सा प्रेम है नीतीश कुमार जी को कि बचाने का काम कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनके नेताओं को मार दिया जा रहा है, धमका दिया जा रहा है, तो वो चुप्पी साधे हुए